गुलाब सिंह डिग्री कॉलेज में उत्तर प्रदेश इंग्लिश स्कॉलर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में किया गया इंग्लिश स्कॉलर ऑनर सेरेमनी एंड एजुकेशन सेमिनार का आयोजन। लगातार हो रही बारिश के कारण बिजनौर के पेदी गांव में गिरी मकान की छत, छत गिरने से एक की मौत, दो लोग घायल। सिहारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशाओं ने अपनी मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। एक रुपए का छोटा सिक्का लेने पर दुकानदार कर रहे मना, नजीबाबाद उप जिलाधिकारी ने कहा ऐसा करने वाले दुकानदारों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार, अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। नजीबाबाद प्राथमिक विद्यालय सहारनपुर सेकंड की गिरी छत, गनीमत रही कि बच्चे दूसरी क्लास में बैठे थे, नहीं तो हो सकता था बड़ा हादसा। नगर पालिका सहारनपुर की खुली पोल, ट्रक का पहिया सड़क में धंसा। सिहारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यवाहक प्रभारी डॉक्टर खालिद अख्तर के नेतृत्व में सिहारा क्षेत्र में चलाया टीबी खोजी अभियान। भाजपा पिछड़ा वर्ग की क्षेत्रीय मंत्री बिंदु सर्राफ ने 6 मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी नजीबाबाद को सौंपा ज्ञापन। चांदपुर में बिजनौर बदायूं हाईवे स्थित बाईपास रोड गोकुल नगर के समीप गहरे गड्ढे होने से भरा बरसात का पानी, जहां राहगीरों को उठाना पड़ रहा भारी परेशानी का सामना। आगामी 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हरिद्वार से दिल्ली तक किसानों द्वारा निकाली जाने वाली किसान क्रांति पदयात्रा की तैयारी के लिए भाकियू ने सिहारा के ग्राम मिठेपुर में किसान संपर्क किया।